सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिल सके। सो गाइस, जो Redmi Note 7 Pro है उसमें मेन हाइलाइटिंग जो इसका फीचर है वो है कैमरा इसका। सो कैमरा आपको यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलता है इसमें विथ 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग कैमरा एंड फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। सो अगर हम कैमरा ऐप को ओपन करते हैं तो आपको कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आएगा एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे मोड मिल जाते हैं। पहले हम मोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके गाइस, सो यहाँ पर लाइट जा चुकी है बट कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आपको वेरियस मोड्स मिल जाएंगे। सो हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो का मोड मिल जाएगा जिसमें आप शॉर्ट वीडियो शूट कर सकते हैं। देन उसके बाद वीडियो मोड मिल जाता है एंड वीडियो मोड में अगर हम बात करें, यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर इमेज स्टेबिलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ एंड जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का मोड मिल जाता है एंड जो वीडियो क्वालिटी यहाँ पर मिलती है वो आपको यहाँ पर वेरियस वीडियो क्वालिटी मिल जाती है। जैसे आपको अल्ट्रा HD 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है विद 30 फ्रेम्स पर सेकंड एंड आपको यहाँ पर फुल HD एट 1080 पिक्सल एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड भी मिल जाता है एंड इवन यहाँ पर आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड का भी मिलता है। एंड ये सारी जो है इनका सैम्पल्स मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स जो कैमरा से रिलेटेड हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो और हम नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ पर वीडियो HFR, तो यहाँ पर ये जो वीडियो HFR है ये स्लो मोशन के लिए एंड आपको स्लो मोशन यहाँ पर 1080 पिक्सल एट 120 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से आप शूट कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पर लोअर रेजोल्यूशन में भी शूट कर सकते हैं एंड बाकी चीज़ें एज इट इज़ है। आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट शटर भी मिल जाता है, मतलब आप अपने फिंगरप्रिंट से भी फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, इवन वीडियो भी रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। एंड नाउ अगर हम बैक जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है जो नेक्स्ट मोड है वो है फोटो मोड। सो फोटो मोड में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर मेन चीज़ जो है, ओके लाइट आ चुकी है, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। ओके नाउ हम बात करते हैं फोटो मोड के बारे में। फोटो मोड में बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको दिखाएगी वो है AI फीचर मोड। सो आप जैसे ही AI को इनेबल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा सराउंडिंग के हिसाब से कैसी फ़ोटो इसे खींचनी चाहिए, उसमें क्या कलर टोन होना चाहिए, कितनी ब्राइटनेस होनी चाहिए, तो ये अपने अकॉर्डिंगली उसे एडजस्ट करेगा। मतलब ये पूरा ऑटोमेटिकली आपका जो है वर्क करेगा। सो आपको AI मोड में भी मैं फोटो खींच क्लिक की हुई लास्ट में दिखा दूंगा, सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एंड इवन आपको यहाँ पर HDR मोड मिल जाता है, सो यहाँ पर आप HDR मोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर लाइन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है 48 मेगापिक्सल को इनेबल करने का। सो आप जैसे ही इसमें 48 मेगापिक्सल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल लिखा हुआ आ जाएगा एंड जो भी आप फोटो क्लिक करेंगे, जैसे मैंने ये फोटो क्लिक की तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आएगा एंड इवन आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने फोटो की 48 मेगापिक्सल की फोटो क्लिक की है तो ये प्रोसेसिंग होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, मतलब 7 to 8 सेकेंड ये लेता है 48 मेगापिक्सल की फोटो प्रोसेसिंग होने में। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फोटो लिए उसके नीचे साइड में यहाँ पर 48 मेगापिक्सल ड्यूअल कैमरा लिखा हुआ आएगा एंड जो फोटो आप नॉर्मल लेंगे उसमें ये 48 मेगापिक्सल लिखा हुआ नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ एंड यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 48 मेगापिक्सल लिखा हुआ नहीं आया, नॉर्मल आया AI ड्यूअल कैमरा। सो ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई कि हमें इनेबल क्यों करना पड़ता है, उनको ऑलरेडी इसमें देना चाहिए था कि 48 मेगापिक्सल ही जो डिफ़ॉल्ट है वो होना चाहिए था। सो एनीवेज, और अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपको ग्रुप सेल्फी मोड मिल जाता है, टिल शिफ्ट, स्ट्रेटन, प्राइमर, इवन आपको यहाँ पर गूगल लेंस भी मिल जाता है जिससे आप वेरियस फंक्शन कर सकते हैं। एंड अगर हम जाते हैं सेटिंग्स में यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सो नाउ जो नेक्स्ट मोड आता है वो आता है पोर्ट्रेट मोड। सो पोर्ट्रेट मोड आप सभी को पता है कि थोड़ा जो बैकग्राउंड पीछे हमारा ब्लर हो जाता है उसे हम पोर्ट्रेट मोड कहते हैं, जो कि बोके इफेक्ट भी कहलाता है। सो यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी अच्छे से वर्क करता है। सो इसके सैम्पल्स भी मैं देने वाला हूँ आगे। एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो मोड मिलता है वो नाइट मोड मिलता है एंड यहाँ पर जो नाइट मोड है वो बस बैक कैमरा के साथ वर्क करेगा। एंड अगर हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं तो सेटिंग्स इसकी सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है सारी। एंड नाइट मोड में फ़ोटो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है एक फ़ोटो क्लिक करने, मतलब कि 3 to 4 सेकंड लेता है। देन उसके बाद फोटो को प्रोसेस करता है एंड वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ़ोटो आती है वो थोड़ी शार्प फोटो आती है, मतलब कि ऐसा लगता है कि आपने इसे HDR मोड में क्लिक किया है। एंड थोड़ा सा वहाँ पर लाइटिंग भी थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं इस नाइट मोड में,
सो ये मोड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इससे काफ़ी बेहतरीन इमेजेस आई हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट मोड मिलता है वो स्क्वायर मोड मिल जाता है, एंड देन उसके बाद पैनारोमा मोड मिल जाता है, एंड पैनारोमा के बाद आपको प्रो मोड मिल जाता है। प्रो मोड में क्या कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, फोकस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पर एपर्चर इसका एडजस्ट कर सकते हैं, इवन यहाँ पर ISO वगैरह भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप 48 मेगापिक्सल को भी इनेबल कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं। A few moments later. सो यहाँ पर मैं आपको फोटो सैंपल सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ, नॉर्मल फोटोज जो मैंने लिए विदाउट 48 मेगापिक्सल जो इसका ऑप्शन है उसे इनेबल किए हुए, सो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि फोटो क्वालिटी कैसी आ रही है। एंड ये सारी वो फोटोज हैं जो मैंने 48 मेगापिक्सल बिना इनेबल किए हुए ली हैं। एंड नाउ अब मैं आपको फोटो दिखाने वाला हूं जो मैंने 48 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन है उसे इनेबल करके ली है। सो गाइज जैसे कि आप सब देख सकते हैं दोनों फोटो में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इन लोग ने ये 48 मेगापिक्सल का एडिशनल ऑप्शन क्यों दिया, बिकॉज फोटो अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल से एंड 48 मेगापिक्सल को इनेबल करके तो दोनों फोटो ऑलमोस्ट सेम आती है। इवन आप जब जूम इन करते हैं तब भी जो डिटेलिंग वगैरह है वो भी सेम है दोनों में, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं। बट यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो जो नॉर्मल फोटोज़ होती हैं उनका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा नहीं है, बट जो 48 मेगापिक्सल में हमने फ़ोटो खींची हुई हैं उनका साइज़ और नॉर्मल फ़ोटो से काफ़ी बड़ा है, तो मे बी जो डिटेलिंग की अगर हम बात करें तो वो 48 मेगापिक्सल में ज़्यादा डिटेलिंग आती होंगी। A few moments later. And now जो मैं फोटो दिखाने वाला हूँ वो मैंने पोर्ट्रेट मोड में ली है, एंड यहाँ पर मैं आपको फ्रंट एंड बैक कैमरा से जो भी फोटो पोर्ट्रेट मोड में ली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। एंड यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है वो काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है इस डिवाइस पे। A few moments later. And now जो मैं फोटो सैंपल्स देने वाला वो है नाइट मोड में क्लिक की हुई। एंड यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो नाइट मोड में फोटो क्लिक की हुई हैं वो काफ़ी अच्छी दिखने में लगती हैं, एंड यहाँ पर जो कलर टोन है जो फोटो का वो काफ़ी डार्क हो जाता है, एंड इसी के साथ वो उसमें शायद HDR भी इनेबल कर देते हैं जिससे जो फोटो हैं थोड़ी शार्प आती हैं। बट जो भी हो यहाँ पर जो नाइट मोड में हम फोटो क्लिक करते हैं वो काफ़ी अच्छी आती है, जैसे कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
एंड नाउ ये जो फोटो है ये मैंने एआई मोड को इनेबल करके ली है, सो यहाँ पर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एआई जो फंक्शन है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है इस डिवाइस पे। A few moments later. So now यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ वीडियो क्वालिटी की। So यहाँ पर मैं फ्रंट कैमरा एंड इवन बैक कैमरा से दोनों से वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि दोनों में वीडियो क्वालिटी आपको कैसी मिलती है एंड कितना यहाँ पर वीडियो स्टेबिलाईजेशन आपको देखने को मिलता है। सो गाइज नाउ जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो हो रही है 4K पे एंड यहाँ पर जो फ्रेम्स पर सेकेंड है वो है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड एंड आपको आइडिया मिल जाएगा कि वीडियो परफॉर्मेंस आपको कैसी मिलती है इस फोन में जो कि 4K रिकॉर्डिंग में ये आपको वीडियो क्लैरिटी मिल रही है। सो गाइज नाउ जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है 1080 पिक्सल एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। सो आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर कितनी स्टेबिलिटी है वीडियो में एंड वीडियो की क्लैरिटी वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइज यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है फ्रंट कैमरा से एट 1080 पिक्सल एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। सो आई होप सो कि आप सबको एक आइडिया मिल जाएगा कि स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी वगैरह आपको कैसी मिल रही है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह भी कैसा मिल जाता है। सो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो स्टेबलाइजेशन है वो वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है, ना ही 4K वीडियो में, ना ही 1080 एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। सो इसके लिए मे बी आने वाले अपडेट में इनको ये स्विचेस सुधारनी पड़ेगी बिकॉज स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए। नॉर्मली आप जब मूव करते हुए कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो काफ़ी ब्लरी, मतलब ब्लरी नहीं बोल सकते हैं, काफ़ी हिलती हुई वो वीडियो आ रही है। सो इसके ऊपर अगर वो कोई नया अपडेट देके इस चीज़ को ठीक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज जब आप मूव करते हुए कोई वीडियो ले रहे हैं तो वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं आती है। सो गाइज मैंने बहुत बार नोटिस किया कि हम बहुत ज़्यादा पिक्चर खींच लेते हैं या तो बीच में ये जो कैमरा का ऐप है ये क्रैश हो जाता है। सो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि जब भी मैं कैमरा ऐप में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है एंड यहाँ पर आ रहा है कैमरा एरर एंड स्टिल कांट कनेक्ट टू कैमरा ट्राई रीस्टार्टिंग योर डिवाइस, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। सो गाइज ये एरर आ रहा है एंड यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि एरर बहुत गंदा एरर है। इवन मैं यहाँ पर कैमरा के अगर ऐप में जाता हूँ एंड यहाँ पर से इसे फोर स्टॉप करता हूँ एंड हम क्लियर डेटा कर देते हैं, पूरा क्लियर ऑल डेटा कर देते हैं एंड इसे फोर स्टेप एंड ये फोर स्टॉप भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो इसके बाद भी अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो सेम चीज़ एरर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सो आप देख सकते हैं कि कैमरा पूरा स्टक हो चुका है, कुछ भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है एंड कांट कनेक्ट टू कैमरा लिखा हुआ आ रहा है। सो गाइज जब भी ऐसा होता है तो हमें फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ता है एंड रीस्टार्ट करने के बाद ही जो है जो ये कैमरा ऐप चलता है। सो मैं जल्दी से रीस्टार्ट कर देता हूँ एंड गाइज मे बी ये जो एरर आ रहा है ये कैमरा में ये मे बी बिकॉज ऑफ द बग्स, जो भी इसमें रोम में बग्स हैं उसकी वजह से हो सकता है। सो मे बी आने वाले अपडेट में इन सब बग को वो निकाल देंगे बिकॉज ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा मेजर बग है, जो मेन इसका फीचरिंग हाईलाइट कैमरा है उसी में बग है। तो ये चीज़ तो उनको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी एंड जो नेक्स्ट जो भी अपडेट रहेगा उसमें इस बग को जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कैमरा टू API पहले से ही आपको इस फ़ोन में इनेबल्ड मिलता है। सो आपको अपने फ़ोन में TWRP रिकवरी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको रूट करने की ज़रूरत है। सो आपको यहाँ पर पहले से ही जो कैमरा टू API सपोर्ट मिलता है जैसे कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड इवन यहाँ पर जो मैंने गूगल कैमरा डाल के इसे टेस्ट करने का ट्राई किया, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल कैमरा मैंने डाउनलोड किया है एंड यहाँ पर जो है गूगल कैमरा भी वर्क कर रहा है। बट यहाँ पर बहुत सारे बग्स हैं अभी इस कैमरा में बिकॉज इसका स्टेबल वर्जन अभी तक नहीं बनाए। सो आपको थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा जब तक डेवलपर्स जो है इसके लिए कोई गूगल कैमरा का वर्जन पोर्ट नहीं कर देते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिकॉज जब भी ऐसा कुछ गूगल कैमरा का अपडेट आएगा मैं आप सब गाइस को अपडेट कर दूंगा एंड यहां पर इवन हम कंपैरिजन भी कर लेंगे। सो ये बहुत अच्छी बात है कि यहां पर हमें गूगल कैमरा का सपोर्ट भी मिलता है। सो गाइस नाउ कमिंग टू द वर्डिक्ट। सो जैसे कि आप सब जानते हैं इस फोन का जो हाईलाइटिंग फीचर था वो था 48 मेगापिक्सल का कैमरा एंड इवन मैं यहां पर बोलना चाहता हूं कि जो कैमरा है ये काफी
काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है एंड यहाँ पर जो फोटोज़ हैं वो काफ़ी अच्छी आ रही हैं एंड जो फोटोज़ में डिटेल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है एंड काफ़ी शार्प फोटोज़ आ रही है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ों में Xiaomi को वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि वीडियो में जो है स्टेबलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है एंड इवन यहाँ पर जो कैमरा है वो क्रैश हो जाता है कभी कभी। सो इन सारे बग्स को फिक्स करने के लिए एक नया अपडेट हमें देना चाहिए ताकि हम इस कैमरा को और अच्छे से टेस्ट कर पाएँ। एंड गाइज, मैं बहुत जल्दी ही Redmi Note 5 Pro के कैमरा से इस फ़ोन को कंपेयर करने वाला हूँ, सो आप मेक श्योर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वो जो अपडेट है वो मिल जाएगा एंड इवन आप वीडियो देख पाएंगे। सो गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाएगा, बिकॉज आप सभी के लाइक से मेरा मोटिवेशन है। एंड अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट या आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इवन आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं एंड सभी की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे एंड मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।